हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने फिर आई हूँ और काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा आप क्यों नहीं डाल रही हो नए वीडियो। तो मैं आपको आज नई एक डिश बनाना सिखा रही हूँ जिसको स्टू कहते हैं। स्टू में जो इंग्रेडिएंट पड़ते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। प्लीज़ मेरे इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। देखिए, सबसे पहले जो स्टू बनता है उसके लिए हमने लिया है ये मटन का मीट है। ये तकरीबन 700 ग्राम के करीब है। ये हम करेंगे इसमें यूज़, और उसमें जो डालेंगे वो देखिए आप। फिर इसमें डलेगी, ये हमने प्याज पहले से काट के रख ली है। ये है 10 प्याजे हैं दरमियानी साइज़ की, इतनी बड़ी। और फिर इसमें गरम मसाला खड़ा डलता है। इसमें हर चीज़ कटी हुई डलती है, स्टू में कोई पिसी हुई नहीं डलती, कोई वैसी नहीं डलती, हर चीज़ कट के डलती है। तो ये देखिए, सबसे पहले तो मैंने प्याज काटी है, 10 प्याज है ये, और एक ये है लहसुन, और इसके साथ ये अदरक है, ये हरी मिर्चें हैं और गरम, और ये लाल मिर्चें हैं देखिए, और ये ज़ीरा, और ये दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च, और ये बेली तेज़पत्ता। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें तेल डालेंगे जो हमने पहले से जला के रख लिया है, सरसों का तेल है। ये देखिए, हमने इसमें सरसों का तेल लिया है 3 चम्मच, 3 चम्मच तेल है ये, हम इसमें डाल देते हैं कुकर में। फिर इसके बाद हम इसमें मटन जो मैंने बताया था 700 ग्राम के करीब है, ये मैं डाल रही हूँ। बहुत आसान है, आप बनाएंगे आपको इतना मज़े का लगेगा, आप शादियों का स्टू खाना भूल जाएंगे। ये देखिए, फिर इसमें हमने डाली प्याज। बहुत आसान, कोई भी बना सकता है, बस ये काटने का काम है ज़रा। ये इसमें हमने प्याज डाल दी, और ये हमने इसमें फिर अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची हम जब डालेंगे जब तैयार हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये लहसुन के बाद हमने इसमें डाली लाल मिर्च। ये लाल मिर्च हमने 6-7 लाल मिर्च काटी है, लाल मिर्च डाली। फिर ज़ीरा डाला हमने इसमें। फिर ये सारा गरम मसाला जो मैंने आपको बताया था वो सब मैंने इसमें डाल दिया। ये देखिए, सब डाल दी चीज़ें। बस इसमें नमक डाल के, जितना आप जैसा नमक खाते हैं उस हिसाब से हम इसमें नमक डालेंगे, और इसको बस बंद करके रख देंगे। इसमें हम लगाएंगे 7-8 सीटी है, जिससे बिल्कुल गल जाएगा। ओके, अब हम इसमें नमक डाल के इसे बंद करते हैं। हम अंदाज से नमक डाल रहे हैं, आप भी जितना खाते हो उसी हिसाब से डालिए। और इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें बस सब चीज़ें काट के डालनी है। आप देखिए, हम इसको बंद कर देते हैं और हम इसको गैस पे चढ़ा देंगे कुकर को। अब यह कुकर और उसकी सीटी भी लगाती है। देखिए, इसमें जब हम इसको तकरीबन 30 मिनट पकाएंगे। तो 30 मिनट हो चुके हैं, और हम इसको खोल के देखते हैं। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाया है। फ्लेम हम फिर खोलेंगे गैस की, अब देखेंगे इसको कैसा क्या पोजीशन है। ये देखिए, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, और ये अब पक के तैयार है। बस इसको थोड़ा सा चलाना है और थोड़ा सा और पकाना है। थोड़ा सा पानी इसमें ज़्यादा लग रहा है अभी, इसको सुखाना है बस। 5 मिनट इसको हम और पकाएंगे और ये तैयार हो जाएगा। फिर इसको डिश में निकाल के आपको दिखाएंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा, मैं आपको और अच्छे अच्छे खाने बना के दिखाऊंगी। ये देखिए, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, आप जब खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। ये देखिए दोस्तों, अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है जैसा हम चाहते थे, और मटन भी बिल्कुल गल गया है। अब हम इसको डिश में निकालेंगे, सर्व करेंगे हम इसको।
ये हमने इसको निकाल लिया, हम इसको हरी मिर्च से गार्निश कर देंगे। हरा धनिया तो वो भी आप डाल सकते हैं, इस वक्त हमारे पास हरा धनिया नहीं है, तो हरी मिर्च से इसे गार्निश कर रहे हैं। और ये बिल्कुल तैयार है, और आप खा के देखिए कितना मज़े का लगेगा ये आपको, आप बार बार बनाना चाहेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, बस काटनी है हर चीज़ और उसको डालना है और पकाना।